तो गाइज ओप्पो बहुत सारे फ्लैगशिप सीरीज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद एक मिड रेंज या फिर बोल सकते हो आप कम प्राइस के अंदर एक कमाल का स्मार्टफोन लेकर आने वाली है जो कि ओप्पो A52 और ये एक मिड रेंज वाला डिवाइस आप बोल सकते हो। और गाइज ये डिवाइस ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है तो सारे स्पेसिफिकेशन प्राइस और लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुकी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जानना चाहते हो उस डिवाइस के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपको एक मिड रेंज वाला डिवाइस खरीदना है तो आपके लिए बेस्ट डिवाइस साबित हो सकता है अगर आप एक ओप्पो फैन हो तो। हे गाइज मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस मतलब Oppo A52 के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले आपको 6.5 इंचेस के एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि फुल HD+ सपोर्ट के साथ आती है। और यहां पर अगर हम बात करें इसके स्कैनर की तो यहां पर आपको कोई भी अंडर डिस्प्ले नहीं मिलता है बिकॉज IPS LCD मिलती है। तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और गाइस डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है होल पंच कटआउट के साथ। और मैं कहूंगा कि 2020 के ट्रेंड के आपसे यहां पर होल पंच कटआउट बेस्ट है। और गाइस अगर हम बात करें स्मार्टफोन के स्पीकर के बारे में तो यहां पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ यहां पर बेस्ट स्पीकर हो जाते हैं क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन जैसे फ्लैगशिप हो या फिर मिड रेंज वाले डिवाइस हो वहां पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है तो साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो Oppo के A52 के अंदर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर साउंड क्वालिटी कमाल की रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैक साइड डिजाइन के बारे में, बैक साइड के लुक के बारे में। तो यहां पर आपको क्वाड कैमरा के साथ कमाल के सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। जहां पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक L शेप के अंदर कैमरा देखने को मिलता है स्क्वायरिश बॉक्स के लुक के अंदर, जहां पर 12 मेगापिक्सल का पैनोरामिक लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस ओवरऑल लुक वाइज एक कमाल का स्मार्टफोन लगता है, यहां पर काफी अच्छा शाइनी लुक देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस Oppo की तरफ से अभी भी आपको इस स्मार्टफोन मतलब Oppo A52 के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलती है, मतलब प्लास्टिक बैक देखने को जरूर मिलता है बट गाइस बहुत ही शाइनी लुक के साथ यह स्मार्टफोन आता है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 4G डिवाइस होने वाला है। और यहां पर आपको 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और साथ ही इंडिया के अंदर आपको हो सकता है कि इसका 6GB वाला रैम वेरिएंट देखने को मिल जाए जहां पर आपको SD कार्ड के साथ आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें स्मार्टफोन के अंदर बैटरी के बारे में तो यहां पर आपको 5000mAh की एक लंबी बैटरी मिलती है जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है। हालांकि Samsung इससे पहले दिया करता था लेकिन अब Oppo भी 5000mAh बैटरी दे रहा है। और गाइस यहां पर आपको 18W का एक चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा और 18W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है और साथ में कलर OS 7.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें स्मार्टफोन मतलब Oppo A52 के कलर वेरिएंट के बारे में तो यहां पर आपको दो ही कलर देखने को मिले हैं अभी तक। गाइस यहां पर आपको ब्लैक और ब्लू कलर देखने को मिलते हैं और वाकई में जो ब्लू कलर है ना वाकई में कमाल के लुक के साथ आता है। तो इन दोनों ही कलर्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन गाइस फाइनली अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में इंडिया के अंदर, तो गाइस ये स्मार्टफोन 17000 के अंदर चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ये प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं है बिकॉज यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर और यहां पर बैक भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जहां पर दूसरी कंपनियां Xiaomi या Realme काफी अच्छे फोन प्रोवाइड करा रही हैं। और 17000 के अंदर आपको काफी अच्छे फोन मिल जाएंगे लाइक Poco X2 जैसे फोन। तो मुझे लगता है कि Oppo को कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन को 10 से 12000 के अंदर लॉन्च करना चाहिए जो कि काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तो ये चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है और ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा। लेकिन गाइस जैसे ही कोई न्यूज आती है, जैसे ही कोई यहां पर अपडेट आती है चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।